वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे एक्सेल की थोड़ा बहुत जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में बात करने वाला हूं। दोस्तों, एक्सेल का जो सम, मिनी, मैक्स और एवरेज है, इन चारों चीज़ें का जो सूत्र में प्रयोग होता है उस बारे में हम जानकारी लेंगे। आप अगर पहले दफा हमारे चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ घंटे को दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, सीधा आपको ले चलते हैं हमारा लैपटॉप पे और दिखाते हैं उसकी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर कैसे हम इसको प्रयोग कर पाएंगे देखने के लिए, और आपको डिटेल्स में जानकारी देंगे। यहाँ पर सीधा हम चले आए हैं हमारे जो डेस्कटॉप है उसके ऊपर। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि टेबल मैंने रेडी करके रखा है, क्योंकि टाइम जो है कम से कम वक्त में आपको मैं समझा सकूँ। ये इसमें देखिए सीरियल नंबर है और साथ ही साथ कुछ आइटम के नंबर नाम भी है, अमाउंट भी है। तो इसमें मैं दिखाऊंगा आपको मैक्सिमम कौन सा, जो बड़ा वाला अमाउंट है इसमें कौन सा है, मिनिमम कौन सा है यानी छोटा वाला अमाउंट कौन सा है, एवरेज कितना है और जो कैलकुलेशन साम कितना है। इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा ये आइटम का नाम हो गया और आइटम का नाम के साथ इसके अमाउंट भी हो गया, आइटम के वाइज ये मैक्सिमम हो गया। हम इसमें मैक्सिमम कौन सा नंबर है, मिनिमम कौन सा नंबर है और एवरेज कौन सा नंबर है, साथ ही साथ साम यानी जोड़ना हम सीखेंगे, वो भी जो है एक एक्सेल का जो सूत्र है उसको प्रयोग करते हुए। तो ये पूरा टेबल हो गया। तो उससे तो पहले तो दोस्तों आपको ऐसे ही एक टेबल को बना लेना है। आपका ऑफिस में बहुत सारे नंबर अगर हो गया, बहुत सारे आइटम का नाम हो गया, तो आपको जो निकालना है मैक्सिमम नंबर, तो उसका मैक्सिमम अमाउंट, मिनिमम अमाउंट तो वगैरह निकालने के लिए आप जो सूत्र प्रयोग कर सकेंगे एक्सेल में, तो निकालने के विद इन सेकेंड में आप इसको निकाल पाएंगे ये सूत्र प्रयोग करते हुए। जो फॉर्मूला है तो फॉर्मूला बहुत ही आसान है, मैं आपको इसमें टाइप करके दिखाने वाला हूँ। पहले तो हम मैक्सिमम, जो मैक्स यानी ज़्यादा ज़्यादा कौन सा अमाउंट है इस पूरे लिस्ट में, अगर आपका 100, 150, 200 ऐसे आइटम हो गया तो उसमें आपको निकालना है विद इन सेकेंड में जो बड़ा जो है मैक्सिमम जो है बड़ा यानी अमाउंट का कौन सा है। तो उसके लिए आपको पहले इक्वल टाइप करना है, उसी के साथ आपको टाइप कर देना है MAX। आप ध्यान से लिखिए MAX, मैंने टाइप कर लिया। उसी के साथ आपको ब्रैकेट देना है, ब्रैकेट देने के बाद नंबर 1 एंड 2 फिर डॉट डॉट दिखा रहा है, यानी आप पूरा टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए, जितना आपका बड़ा टेबल हो उसी हिसाब से आपको सिलेक्ट कर लेना है, उसी हिसाब से आपका जो मैक्सिमम नंबर है यानी बड़ा जो नंबर है वो निकाल के आएगा। तो उसको देने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट ब्रैकेट को आपको क्लोज कर देना है, उसी के साथ आपको इंटर दबा देना है और आ गया आपका जो बड़ा वाला जो अमाउंट है वो इसमें आ चुका है। देखिए इसमें 7000 पूरा इस टेबल में 7000 आपका जो है बड़ा वाला एक अमाउंट है, उससे ऊपर नहीं है। तो विद इन सेकेंड में आपको फॉर्मूला यूज़ करते हुए एक्सेल में ये आ चुका है। तो उसी तरह से आपको अगर मिनिमम देखना है, सेम फॉर्मूला है, इसमें आपको टाइप करना है इजिकल टू मिनी ब्रैकेट करके, फिर वही आपको टेबल का सिलेक्ट कर लेना है, कहां से कहां आप ढूंढना चाहता है मिनिमम संख्या को, और ब्रैकेट देके आपको माने से ये इसमें मिनिमम नंबर जो है छोटा वाला, सबसे छोटा वाला ये आ गया है। एवरेज के लिए आपका टाइप करना है पूरा इस टेबल में आके इजिकल टू एवरेज, फिर आपको टाइप कर देना है इसको एवरेज को, पूरा आपको ध्यान से टाइप करना है, उसी के साथ आपको ब्रैकेट लगाना है। तो इसमें एवरेज जितना भी हो इस पूरे टेबल के अंदर जितना भी संख्या हो, जितना भी अमाउंट हो, उसका एवरेज आ जाएगा। आपको देखिए इसका एवरेज ये वाला आ गया है। तो इसी तरह आप अगर चाहे तो पूरा पूरा का पूरा आपका 2000-3000 टेबल में जितना भी हो उसको टेबल को सिलेक्ट करके ऐसे मैक्स मिनी मीन एवरेज आप निकाल सकते हैं। उसी के साथ आपको अंत में दिखाऊंगा सम यानी जोड़ना, आपको जोड़ना चाहते हैं तो इजिकल टू सम ब्रैकेट देके आपको नंबर 1 नंबर 2 और डॉट डॉट इसको सिलेक्ट कर लेना है। जितना भी बड़ा टेबल हो आपको पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लेना है, जहाँ से जहाँ आप जोड़ना चाहते हैं पूरा टेबल को आपको सिलेक्ट करते ही ब्रैकेट को क्लोज कर देना है और साथ ही साथ इंटर दबा देना है। तो इसका जो है जोड़ना हो गया, इसका जो प्लस हो गया ये वाला आ गया है। तो दोस्तों ऐसे करके आप सम, मिनी, मैक्स, एवरेज आप
जो है फॉर्मूला को यूज़ करते हुए एक्सेल में आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो लिखिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, फिर एक नए वीडियो लेके आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू ऑल दोस्तों।